अभी लॉकडाउन है। मोदी जी आप आदेश दीजिए, मैं उसका पालन करूंगी। हैशटैग कोरोना खत्म करो ना, हैशटैग कोरोना खत्म करो ना। अरे यार हैशटैग कोरोना खत्म करो ना। दिस इज स्पोर्ट्स ट्रिविया, स्पोर्ट्स ट्रिविया ओनली ऑन स्पोर्ट्स फ्लैशेस। अमेरिका के तैराक जॉनी वाइसमिलर ने ओलंपिक खेलों में तैराकी में 5 गोल्ड और वाटर पोलो में 1 कांस्य पदक जीता। क्या आप जानते हैं कि सन 1930 और 1940 के बीच वाइसमिलर ने हॉलीवुड की 12 फिल्मों में टार्जन का रोल अदा किया। उन्होंने ही टार्जन की चीखने के अंदाज को मशहूर भी किया था, ये वाला अंदाज। वाइसमिलर पहले तैराक थे जिन्होंने 100 मीटर तैराकी में 1 मिनट से कम में 100 मीटर रेस पूरी की। This is Sports Trivia. Sports Trivia. Only on Sports Flashes. खेल के सबसे बड़े महाकुंभ ओलंपिक में होता है faster, higher और stronger बनने का सबसे कड़ा टेस्ट। जहां पलक झपकते ही पलट जाती है पूरी बाजी, जहां जश्न और हताशा के बीच होता है सिर्फ 1 माइक्रोसेकेंड का फासला, जहां सिर्फ एक कंधे पर टिकी रहती हैं करोड़ों लोगों की उम्मीदें, जहां 200 देशों को पछाड़ने के बाद तिरंगा सबसे ऊपर लहराता है, उसी ओलंपिक के मैदान में बड़े बड़े सुरमाओं के गिरने और गिरकर फिर उठने की हर कहानी हम बताएंगे सिर्फ आपको। ये है सीटीएस ऑल्टियस पोटियस। Only on Sports Flashes, the world's largest sports radio channel. Sports Flashes. This is Sports Trivia. Sports Trivia. Only on Sports Flashes. भारत के पूर्व ऑलराउंडर रॉबिन सिंह का पूरा नाम रॉबिंद्र रामनारायण सिंह है और उन्होंने देश के लिए 1 टेस्ट और 136 वनडे मैच खेले। This is Sports Trivia. Sports Trivia. Only on Sports Flashes. क्रिकेट के मैदान पर सबसे बड़ी जंग को हम एक बार फिर जिएंगे। बड़े बड़े यादगार मुकाबलों की होगी बारीकी से सर्जरी। प्लेइंग 11 से लेकर मैच की कंडीशंस, बैटिंग लाइनअप से लेकर बॉलिंग की स्ट्रेटजी का होगा ऑपरेशन। क्यों हार गए धुरंधर और कैसे कमजोर टीम ने पलट दी पूरी बाजी। यादगार मैचों के हर एस्पेक्ट की यहाँ होगी जांच। ऑपरेशन क्रिकेट विद वर्ल्ड कप हैट्रिक मैन चेतन शर्मा। हाय मैं हूँ चेतन शर्मा और आप मुझे सुन सकते हैं इन ऑपरेशन क्रिकेट विद आनंद एंड जॉय। लिसन टू ऑपरेशन क्रिकेट एवरी मंडे टू फ्राइडे एट 9 AM. Only on Sports Flashes. Everything about sports. Sports Flashes now available on Gaana. You are tuned into Sports Flashes Radio. And what a performance by the number 3 seed, Simon Awol, who tomorrow will contest a third All-England semi-final. Sports Flashes, world's biggest sports radio channel. You're listening to Sports Beat with me, yani ki RJ Gautam. Ye hai Sports Flashes, world's biggest sports radio channel. Sports Flashes, everything about sports. स्पोर्ट्स वर्ल्ड की हर एक बात और खास मेहमान से मुलाकात। आप सुन रहे हैं शो स्पोर्ट्स बीट आरजे गौतम के साथ। स्पोर्ट्स फ्लैशेस, एवरीथिंग अबाउट स्पोर्ट्स। वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्पोर्ट्स फ्लैश रेडियो पर। मैं हूं आरजे गौतम, आरजे का नाम, स्पोर्ट्स बीट मेरी जान। और वो वक्त हो गया है, घड़ी में बज चुके हैं 10 और ये बढ़ता हुआ वक्त ले जाता है हमें कहानियों
और किस्सों के दौर में। तो कहानी किस्सों के दौर में आज यहाँ पर हम जो है कुछ बातें उन खिलाड़ियों के बारे में करेंगे जो खिलाड़ी खेले तो बहुत खूब लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज में फंस के उनके करियर पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आया। सबसे पहले शेन वॉन, कौन नहीं जानता शेन वॉन जैसा खिलाड़ी, कौन नहीं जानता, मतलब शेन वॉन इतने तगड़े स्पिनर। तो शेन वॉन का खुलासा था कि एशेज सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलिया टीम कुछ बगावत करने वाली थी, है ना, एक ऐसा खुलासा भी उन्होंने किया था। तो शेन वॉन के ऊपर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉन का नया खुलासा था 2005 एशेज सीरीज में कि इंग्लैंड से हार के बाद कोच जॉन बुकानन ने खिलाड़ियों की जीतने की इच्छा पर सवाल उठा दिया था। इसके बाद टीम में जो है बड़ा ही अंदर बहुत ही विद्रोह सा हो गया था, अंदर ही अंदर आंदोलन होने लग गया था। वॉर्ड ने जल्द ही सीरीज जो थी वो होने जा रही थी उसमें नो स्पिन में इस बात का जिक्र भी किया था और वॉर्ड ने लिखा था कि देखिए यार, जब ये टेस्ट हुआ और बुकनान ने बस से होटल में जाके होटल की तरफ जाते समय टीम की एक मीटिंग बुलाई थी और मुझे लगा कि पता नहीं कि वो क्या कहेंगे। बैठक में कहा था कि हम मैच में अच्छा नहीं खेले, ये सही था। इसके बाद सवाल किया कि हम अच्छा क्यों नहीं खेले। देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जब कंट्रोवर्सी की बात की जाए तो एक वॉन के ऊपर भी कंट्रोवर्सी का किस्सा जो है वो जरूर लागू हुआ था और उसके बारे में बहुत से लोगों ने अलग अलग राय अपनी दी है। बहुत से लोगों ने कहा कि भाई गलत और अच्छे की, क्या है ना कि हमारे यहाँ पे लोगों के दिलों और दिमाग में जो एक अपनी परत होती है सोच की जिसको कोई हटा नहीं सकता है। जहाँ पे उनको लगता है ये ठीक है, ये अच्छा है, हाँ अच्छा है, ये बुरा है, बुरा है, वो अपने हिसाब से लोग कहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना कि किसी की जुबान पे हम थोड़े ना काबू कर सकते हैं, जो कोई बोलता है किसी की सोच पे हम थोड़े ना कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही बात थी, बहुत सारे लोगों ने कंट्रोवर्सीज को उछाला, कईयों ने फेवर में बात की, कईयों ने बिल्कुल अपोजिशन में रह के बात की। तो शेन वॉन के ऊपर बहुत सारी बातें हुई हैं, तो आइए जानते हैं शेन वॉन की कंट्रोवर्सी की कहानी। एक महान क्रिकेटर है, हमेशा ही मेरे फेवरेट, मतलब मैं देखता हूं कि जो भी स्पिन गेंदबाज होता है वो शेन वॉन की तरह गेंदबाजी करवाना चाहता है। तो आइए देखते हैं शेन वॉन, सुनते हैं कि क्या शेन वॉन की कंट्रोवर्सी, किस तरह की कंट्रोवर्सी है। सुनते रहिए स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो, मैं हूं आरजे गौतम और शो का नाम स्पोर्ट्स बीट मेरी जान। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सुनते रहिए स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो, एवरीथिंग अबाउट स्पोर्ट्स। और अगली कहानी बताऊंगा स्पोर्ट्स फ्लैशेस की जुबानी, पहले ये तो सुनिए जनाब। खेल की दुनिया में खिलाड़ियों की नोकझोंक हो या फिर उनके बारे में कोई ऐसी बात जो आप जानना चाहते हैं, एज अ फैन हमें ये चीजें हमेशा से आकर्षित करती हैं क्योंकि इससे हमें अपने फेवरेट स्पोर्ट्स स्टार्स को और भी करीब से जानने और समझने का मौका मिलता है। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पोर्ट्स रेडियो चैनल। आज स्पोर्ट्स फ्लैशेस के खास शो कंट्रोवर्शियली योर्स में मैं यानी कि आरजे सिड बात करूंगा एक ऐसे ही स्पोर्ट्स स्टार की जो जब भी अपनी टीम के लिए मैदान में उतरते थे स्टेलर परफॉर्मेंस देते थे, लेकिन आज बात उनके प्रदर्शन से ज्यादा उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज की। बात आज ऑस्ट्रेलिया टीम के सबसे बड़े मैच विनर को लगे उस झटके की करेंगे जिसने 1999 के वर्ल्ड चैंपियन को 2003 वर्ल्ड कप की शुरुआत में ही तोड़ कर रख दिया। बात है शेन वॉन की। शेन वॉन की 3 सितंबर सन 1969 को विक्टोरिया स्टेट के फर्नट्री में जन्मे वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे करिश्माई फिरकी गेंदबाज शेन वॉन, जिन्हें 2003 में साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप में न केवल खेलने से रोक दिया गया बल्कि उन पर एक साल का बैन भी लगा। ये बैन केवल एक खिलाड़ी पर नहीं लगा था बल्कि ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर लगा था, क्योंकि 1999 में ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने के पीछे
यही करिश्माई लेग स्पिनर थे। वार्न ने 1999 वर्ल्ड कप इतिहास में वो कारनामा किया जिसे कोई नहीं तोड़ पाया। वार्न ने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ और फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 4-4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनाया। 2003 के वर्ल्ड कप में शेन वार्न के खेलने की संभावना कम ही थी क्योंकि कुछ महीने पहले वार्न इंग्लैंड के खिलाफ मैच में इंजर हो गए थे, लेकिन 5 हफ्ते की कड़ी फिटनेस ट्रेनिंग के बाद वार्न एक बार फिर से मैदान में उतरने के लिए फिट हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था। पिछले 18 वनडे में 15 में लगातार जीत और उसके बाद वार्न की वापसी की खबर टीम की खुशियों में 4 चांद लगा रही थी। वर्ल्ड कप में जब सभी टीमें अपनी तैयारियों में व्यस्त थीं, तभी ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए आई एक बेहद बुरी खबर। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के खिलाफ अपने वर्ल्ड कप सफर की शुरुआत के लिए कमर कस चुका था, तभी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी कि वार्न रूटीन ड्रग टेस्ट में फेल हो गए हैं और उन्हें तत्काल वापस स्वदेश बुलाया गया। 1992 में अपना इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का आगाज करने वाले वार्न के परीक्षण में उन्हें मोर ड्यूरेटिक ड्रग लेने का दोषी पाया गया। वर्ल्ड कप से ठीक पहले ये ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। हालांकि वार्न ने इस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की। उनका कहना था ये फ्लूइड रिडक्शन टैबलेट उन्होंने अपनी माँ के कहने पर लिया है। जांच समिति ने इस मुद्दे पर वार्न और उनकी माँ पर अपर्याप्त सबूत देने का आरोप भी लगाया। वार्न की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही थी। वार्न पर बैन की तलवार लटक रही थी। सस्पेंस था तो बस ये कि बैन कितने वक्त का होगा। तमाम मुश्किलों के बीच जांच समिति द्वारा वार्न को लेकर आई एक राहत भरी खबर। क्या थी वो राहत? जांच समिति में शामिल जस्टिन ग्लेन विलियम, मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर सूजन और फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर एंड सिलेक्टर पीटर टेलर ने शुरुआती जांच के बाद माना कि वार्न द्वारा लिए गए ड्रग्स से वार्न के प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ा होगा और न ही समिति को वार्न के खिलाफ प्रत्यक्ष रूप से स्टेरॉइड लेने का कोई सबूत मिला। फाइनली द पैनल एडमिटेड द यूज ऑफ द डायोटेरिक बाय वार्न वाज अ रेकलेस एक्ट टोटली डिसरिगार्डिंग द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। और इस प्रकार जांच समिति ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वार्न के ऊपर 12 महीने यानी 1 साल का बैन लगा दिया। इस बैन का मतलब साफ था कि ऑस्ट्रेलिया ने 2003 वर्ल्ड कप में अपना सबसे बड़ा मैच विनर खो दिया है। ऑस्ट्रेलिया टीम के मैनेजर स्टीवन बर्नार्ड ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें वार्न ने रोते हुए अपनी बात सबके सामने रखी और कमरे में सन्नाटा छा गया। वार्न ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए। टीम मैनेजमेंट को अब भी भरोसा था कि वार्न वापसी करेंगे, लेकिन एसीबी एंटी डोपिंग हियरिंग के बाद साफ हो गया कि वार्न ने 22 जनवरी को फ्लूइड रिडक्शन टैबलेट लिया था। वार्न ने उस दौरान वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। वार्न को दिए गए 1 साल के बैन की सजा पर एक बेहद दिलचस्प आंकड़ा है। एक सर्वे में 60% लोगों ने माना कि वार्न को सजा मिलनी ही चाहिए थी। 194 वनडे मैचों में 293 विकेट लेने वाले वार्न का सफर वनडे में खत्म हो चुका था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ये उम्मीद थी कि ये चमकता हुआ सितारा एक बार फिर लौटेगा। हुआ भी यही। वर्ल्ड क्रिकेट को अपनी फिरकी से अपना मुरीद बनाने वाले इस जादुई गेंदबाज ने फरवरी 2004 में श्रीलंका के खिलाफ वापसी की। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में ही 10 विकेट लेकर कोर्टनी वॉल्श के बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने वार्न। और वार्न यहीं नहीं रुके। 15 अक्टूबर 2004 को इंडिया के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में इरफान पठान का विकेट लेकर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए और श्रीलंका के गेंदबाज मुतैया मुरलीधरन के 533 विकेट से आगे निकल गए। एशेज में मैन ऑफ द सीरीज वार्न ने इस साल 15 टेस्ट मैचों में 96 विकेट हासिल किए और टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका के मुरलीधरन के बाद सबसे सफल गेंदबाज के रूप में अपने आप को वर्ल्ड क्रिकेट में स्थापित कर लिया। एक टेस्ट मैचों में 708 विकेट लेने वाले वार्न ने 21 दिसंबर 2006 को क्रिकेट को फाइनली अलविदा कह दिया। इस जादुई गेंदबाज का नाम भले ही कई विवादों में जुड़ा रहा हो, लेकिन इस गेंदबाज ने जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट और वर्ल्ड क्रिकेट को दिया उसे ताउम्र कोई भी खेल प्रेमी भूल नहीं पाएगा। एंड दैट्स ऑल ऑन कंट्रोवर्शियली योर्स फ्रॉम मी आरजे सिड। मिलते हैं एक और एडिशन में बहुत जल्दी। आप सुनते रहिए स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पोर्ट्स रेडियो चैनल। This is Sports Trivia. Sports Trivia. Only on Sports Flashes.
2012 में मैरी कॉम ओलंपिक की बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी। क्या आप जानते हैं कि 1998 में मणिपुर के डिंको सिंह की एशियाई खेलों में जीत ने मैरी कॉम को बॉक्सिंग की तरफ आकर्षित किया। मैरी कॉम ने भारत के लिए वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 6 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। This is Sports Trivia. Sports Trivia. Only on Sports Flashes. स्पोर्ट्स वर्ल्ड की हर एक बात और खास मेहमान से मुलाकात। आप सुन रहे हैं शो स्पोर्ट्स बीट आरजे गौतम के साथ। स्पोर्ट्स फ्लैशेस, एवरीथिंग अबाउट स्पोर्ट्स। आर लिसनिंग टू स्पोर्ट्स स्लैशेस रेडियो। मैं हूं आरजे गौतम और शो का नाम स्पोर्ट्स बीट मेरी जान। अच्छा है बाबा, अच्छा है, आ गए तुम भी यहाँ पे कहानियां किससे सुनने के लिए। अरे भैया तुम भी बैठ जाओ पीछे वाले, अरे आगे वाले तुम भी बैठ जाओ, कान जरा पास लाओ और जोर से जरा बोल दो, सुन लो ये बात और बोल दो क्या स्पोर्ट्स फ्लैशेस वर्ल्ड बिगेस्ट स्पोर्ट्स रेडियो चैनल। तो आए, मैं हूँ आरजे गौतम और शो का नाम स्पोर्ट्स बीट। और फिलहाल आपको बता दूं कि बहुत ही टाइम से जो है सैयद मोदी के बारे में मैं कहना चाह रहा था आपको कि सैयद मोदी क्या था, कि सैयद मोदी के बारे में एक ऐसे खिलाड़ी जिनके बारे में आज तक चर्चा होती रही कि कैसे इनको हम भुलाएं, है ना। तो बात आती है सैयद मोदी के बारे में, तो बहुत से इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया इन्होंने, और इस योगदान की कहानी को आज हम यहाँ पे सुनाने जा रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लैशेस की जुबानी। और सैयद मोदी के लिए कहा जाता है कि जो कंट्रोवर्सी है उसमें ये फंस गए बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी, प्रैक्टिस के बाद लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे, आपको मैं बात बताऊं कि तभी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। घात लगाए बैठे हत्यारों ने उन पर ताबड़तोड़ 8 गोलियां दागी और 7 गोली चलने के बाद सैयद मोदी जो है जिंदा हालत में नहीं थे। हत्यारे अपनी मंसूबे में कामयाब हुए। शुरुआती जांच के बाद मामले को जो है सीबीआई को सौंप दिया गया था। और सैयद मोदी हत्याकांड में शुरुआती जांच में जो है बहुत से लोग जैसे कि संजय सिंह का नाम सामने आया, उनका नाम सामने आते ही जो है यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया था। पूरे देश की निगाहें हाई प्रोफाइल मर्डर केस पे थी और इस जांच पे भी टिकी हुई थी, और ये कोई नहीं जानना चाहता था कि आखिर किसके इशारे पर किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। 1988 की बात है, सीबीआई ने इस केस में चार्जशीट दाखिल किया और कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया था। आरोपियों में संजय सिंह, अमिता मोदी, रायबरेली के दबंग अखिलेश सिंह समेत 7 लोगों के नाम शामिल थे। और संजय सिंह और अखिलेश सिंह के बीच में अच्छी दोस्ती थी, दोनों साथ में काफी वक्त बिताते थे। तो आइए जानते हैं कि कैसे इस बैडमिंटन खिलाड़ी की हत्या को अंजाम दिया गया, क्या इसके पीछे कहानी थी, क्या राज था। सुनते रहिए स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो, आरजे गौतम आपके साथ है। मिलता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। Controversially yours, Sayyed Modi murder mystery. It was 7:30 in the evening on the 28th of July 1988. India's top badminton star Sayyed Modi just came out of the KD Singh Babu Stadium to have a few refreshments when he was surrounded by 2 bikes. Suddenly the sound of 5 bullets fired from a .38 bore revolver resonated in Lucknow. The bullets were shot from close range, targeting Sayyed Modi. सैयद मोदी डाइड ऑन द स्पॉट। स्पोर्ट्स फ्लैशेस पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की बात करेंगे जिसने भारतीय खेल की जड़ों को हिला दिया था। इस कहानी में रोमांस है, भारत के 2 शानदार बैडमिंटन खिलाड़ियों की शादी है, इसमें प्यार और शादी में दरार है, और एक लव ट्रायंगल भी है। कहते हैं कि इसी लव ट्रायंगल ने भारत से अपना शानदार बैडमिंटन खिलाड़ी छीन लिया। कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स में आज हम बात करेंगे 1982 कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल विनर और 1982 एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडल विनर सैयद मोदी की नृशंस हत्या की। इट्स बीन मोर देन 30 इयर्स नाउ सिंस दैट डे व्हेन सैयद मोदी वाज ब्रूटली गन डाउन
ending the life of a 26-year-old who had his whole life in front of him. But before we tell you the details of the gruesome murder story, let's go back a few years. Syed Modi was born in a small town in Uttar Pradesh in a modest Muslim family. But such was his talent as a badminton player that he started making his mark on the national scene. He was India's national champion for 8 years, and then he started winning on the international circuit too. In 1982, he won gold medal at the Commonwealth Games and a bronze medal at the Asian Games. He also won the Austrian international title twice and the USSR international title once. उन्हीं दिनों सैयद मोदी की दोस्ती एक नेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी अमिता कुलकर्णी से हुई। अमिता मुंबई की रहने वाली थी और पैसे वाले घर से नाता रखती थी। नेशनल बैडमिंटन सर्किट में अक्सर सैयद मोदी और अमिता की मुलाकात होती थी। दोस्ती प्यार में बदली और फिर परिवार वालों के लाख समझाने के बावजूद दोनों ने शादी भी कर ली। अमिता अपने बैडमिंटन करियर पर ध्यान देना चाहती थी, लिहाजा सैयद की चाहत के बावजूद वो परिवार को और आगे बढ़ाने के लिए राजी नहीं थी। इसी दौरान इन दोनों की उत्तर प्रदेश के एक पॉलिटिशियन संजय सिंह से दोस्ती हुई। संजय एक कद्दावर नेता थे और राजनीति की दुनिया में उनकी काफी पैठ थी। संजय सिंह शादीशुदा थे और उनके दो बच्चे भी थे। ड्यूरिंग दोज डेज अमिता स्टार्टेड मेंटेनिंग अ पर्सनल डायरी। शी वुड राइट अबाउट हर डे एंड लॉग डाउन हर एक्सपीरियंस। अमिता स्टार्टेड टू नोटिस दैट हर हस्बैंड वुड रीड हर डायरी बिहाइंड हर बैक। It said that Amita started writing about things just to get her husband jealous. The marriage carried on for a few years and then suddenly Amita got pregnant. This stirred up Syed Modi. He suspected that the child in Amita's womb was not his. This affected Modi's game also and his performance saw a steep drop. Things got to a head when despite Modi's insistence, Amita went to Mumbai to give birth to her daughter. She also named the child Akanksha, which was against Modi's choice. The birth of the child affected Amita's badminton career too. Syed Modi too lost in the national final after winning the title for the last 8 years. Phir aayi 28 July 1988 ki wo shaam, jisne duniya se ek honhaar badminton khiladi ko chheen liya. रोज की तरह सैयद मोदी केडी सिंह बाबू स्टेडियम में प्रैक्टिस करने पहुंचे। अपनी आदत के अनुसार प्रैक्टिस के बाद वो बाहर जूस पीने गए। जब 7:30 बजे सैयद बाहर आए, तभी उन्हें दो बाइक सवारों ने घेर लिया। इससे पहले कि सैयद मोदी खुद को संभालते, इन बाइक सवारों ने .38 रिवॉल्वर से सैयद मोदी के शरीर में 5 गोलियां दाग दी। रिवॉल्वर इतनी नजदीक से चलाई गई कि भारत के होनहार बैडमिंटन खिलाड़ी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। 8 बार के नेशनल बैडमिंटन चैंपियन की मौके पर ही मौत हो गई। A nation was stunned by the gruesome murder of India's favorite son. Syed Modi was the next big name in Indian badminton after Prakash Padukone. As the police started to investigate the case, there were a few names that came under suspicion. Syed Modi's wife Amita Modi and politician Sanjay Singh's name came under the scanner. The police also managed to lay their hands on Amita's personal diary that revealed a lot from the badminton player's personal life. This diary had enough information to let the police believe that Amita and Sanjay were behind this nefarious act. The case gathered national and international attention. And soon the investigation was taken over by the Central Bureau of Investigation, CBI. CBI इसी थ्योरी पर काम कर रही थी कि सैयद मोदी की हत्या में लव ट्रायंगल है। शायद अमिता और संजय सिंह के बीच रोमांस था और इस पनपते रोमांस में सैयद मोदी कांटा बनकर चुभ रहे थे। जांच एजेंसी के हाथ कुछ चिट्ठियां भी लगी जिनको सबूत के तौर पर रखा गया। इसमें 1984 में अमिता और उनकी माँ के बीच की चिट्ठियां थी, 1985 में 7 चिट्ठियां जो अमिता ने संजय सिंह को लिखी थी, और साथ ही अमिता और सैयद मोदी के बीच पत्र व्यवहार भी था। ऐसा माना जा रहा था कि प्लान के तहत अमिता और संजय ने अखिलेश नाम के एक शख्स के साथ मिलकर सैयद मोदी की हत्या की साजिश की थी। ऐसा कहा जाता है कि अमिता और संजय ने अखिलेश को सैयद मोदी को मारने की सुपारी दी थी। A charge sheet was filed by the CBI naming 7 people who were suspected to have conspired and murdered India's badminton star Syed Modi. These included Akhilesh Singh,
Jitendra Singh, Bhagwati Singh, Amar Bahadur Singh and Palai Singh. And of course, there were the names of Amita Modi and Sanjay Singh. The charge sheet said that Sanjay Singh, Amita Modi and Akhilesh hatched the plot to murder Syed Modi. Jitendra Singh was said to be driving the motorbike, while Bhagwati Singh and Amar were accused of firing the bullets at Syed Modi. The plot thickened as Balai Singh and Amar Bahadur were shot and killed just a few days after they were released on bail. The case was so high profile that well-known lawyers Ram Jethmalani and his daughter Rani got involved in it. As the case gathered momentum, the name of Sahara Subrata Roy too cropped up as the media speculated that there was a chit fund angle to the murder mystery. Lekin court mein lambi ladai ke baad, sun 2009 mein lower court ka faisla aaya. Sanjay aur Amita ko thos saboot ke abhav mein bari kar diya gaya. Is faisle ka fayda Akhilesh Singh ko mila, wo bhi chhoot gaye. Jitendra Singh ko court ne benefit of doubt de diya, jiske karan wo bhi reha ho gaye. Balai Singh aur Amar Bahadur ki hatya pehle hi ho chuki thi. पूरे केस में बस भगवती सिंह को सजा हुई, उन्हें उम्र कैद हुई, साथ ही 50,000 का जुर्माना भरने का हुक्म दिया गया। हालांकि कोर्ट में भगवती का हत्या करने का मोटिव साबित नहीं हो सका। One wonders what lay ahead of Syed Modi had his life not been cut short in such a brutal manner. What more could India and Syed have achieved had he led a normal life? These are questions that keep cropping up in the brain. And that is the story of India's star badminton player Syed Modi's murder mystery in 1988. A story that will forever remain controversially yours. Controversially yours. This is Sports Flashes Live. Mika Häkkinen, the flying Finn from Helsinki, is on his last lap, looking magnificently good for his 20th World Championship win. Download Sports Flashes app or visit www.sportsflashes.com. Sports Flashes, world's biggest sports radio channel. He's done it! Taking matters into his own hands in spectacular fashion, Lionel Messi! It's not a game, it's running in my vein. It gets me high, makes me insane. Takes me back when I hear the noise, come hit the ground, let's go! Cricket ki ho beat, ya soccer ki ho heat. Chaka ya chaka, ab chale ki ye beat. Cricket ki ho beat, ya soccer ki ho heat. Chaka ya chaka, ab chale ki ye beat. Stadium on their feet. What a shot. Absolutely magnificent. खेल चलेगा पूरे दिन सारी रातें चलते रहेंगे अब स्पोर्ट्स की बातें मिलते रहेंगे अपडेट्स इधर हॉकी या क्रिकेट या हो सॉकर खेल का जमाना है गेम भी पुराना है गोल भी तूफानी होगा रन भी तूफानी होगा कोई मैसी धोनी मैरी कॉम या रोनाल्डो खेल का सफर अब और भी जुनूनी होगा Only on Sports Flashes, world's biggest sports radio channel. Sports Flashes पे You are listening to Sports Beat with me, यानी कि RJ Gautam. ये है Sports Flashes, world's biggest sports radio channel. Sports Flashes, everything about sports. Sports World की हर एक बात और खास मेहमान से मुलाकात. आप सुन रहे हैं शो Sports Beat RJ Gautam के साथ. Sports Flashes. Everything about sports. You are listening to Sports Flashes Radio. मैं हूं आरजे गौतम और शो का नाम Sports Beat मेरी जान. और फिलहाल आपको बता दूं कि जब किस्मत खराब होना तो ऊंट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है. होती है ये बातें, मतलब ऐसी हैं. तो अब आपको बताऊं मैं कि लेकिन कुछ गलतियां जरूर होती हैं. मैं तो हमेशा से कहता हूं कि स्पोर्ट्स वर्ल्ड में कंट्रोवर्सीज का पुराना रिश्ता है.
विवादों का पुराना रिश्ता है। पृथ्वी शॉ को देख लो आप, उन पर बैन लगाया गया था इस साल के आसपास का, क्योंकि उन्होंने कप सिरप पी लिया था, उसके बाद उन पर बैन लगाया गया। तो ये कुछ अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड के, जिसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। तो फिलहाल अब अगली कहानी है टाइगर वुड्स की। अमेरिका के पूर्व विश्व नंबर एक गोल्फर टाइगर वुड्स ने दवाओं का असर के कारण परेशानी का सबब भी इनको सामना करना पड़ा था, और पुलिस ने जब शराब के नशे के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया था, उस समय ये फ्लोरिडा की सड़क पर अजीबोगरीब तरीके से पार्क की गई कार में ड्राइविंग सीट पर गहरी नींद में सो रहे थे और कार का इंजन चल रहा था, बत्ती जो है जल बुझ रही थी। तो पुलिस रिपोर्ट के बाद गोल्फर को लेकर कुछ नए खुलासे सामने आए। जब पुलिस अधिकारी ने उन्हें कार में जगाया तो वुड्स को ये पता नहीं था कि वो कहां पर है। उन्होंने कहा कि अभी लॉस एंजलिस में गोल्फ खेलकर आए हैं वो। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि अभी कहां है और अपने जो उनका घर था जुपिटर आइलैंड से वो कितनी दूर है। इसके बाद वो फिर सो गए। वुड्स की जो उस टाइम सिचुएशन थी वो बहुत ही मतलब क्रूशियल सिचुएशन में उस टाइम थे। वो लड़खड़ा रहे थे, उनके शरीर में अल्कोहल का कुछ सबूत नहीं पाया गया, और इसके वुड्स के बयान के बाद ये भी पुष्टि होती है कि जो मतलब कि देखिए दवाइयों का उन पर बुरा असर पड़ा था। जुपिटर पुलिस ने कहा कि वुड्स की जो है उनकी ब्रीदिंग सांसों का थोड़ा सा वहां पे होता ना कि टेस्ट किया जाता है, तो जिसमें पाया कि शराब तो पी नहीं थी, वो जो अल्कोहल मीटर होता है। इसके बाद उनका बहुत यूरिन टेस्ट किया गया और उसके लिए तैयार हो गए, लेकिन 4 घंटे भी बाद जो है एक उन्होंने कंट्री जेल में 4 घंटे बिताए। उसके बाद अधिकारियों ने जो है घटना की रिपोर्ट ली, हलफनामा जारी किया। तो एक बड़ी कंट्रोवर्सी इनके पीछे भी यहाँ पे आई, और ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो पर। बने रहिए स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो पर। मैं हूं आरजे गौतम, शो का नाम स्पोर्ट्स विद मेरी जान। आरजे गौतम के नाम से पाया जाता हूं फेसबुक पर। मेरे पेज को लाइक करके अपने मैसेजेस इनबॉक्स जरूर करें, अपना प्यार जो है मुझ तक जरूर पहुंचाएं। तो फिलहाल ले दीजिए एक और ब्रेक, मिलते ब्रेक के बाद। सुनते रहिए स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो, वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पोर्ट्स रेडियो चैनल। Welcome to another edition of Controversially Yours on Sports Flashes. Today, we bring the story of a great golf player who is considered an all-time great and a legend. But for some, he was a pervert, a sex addict, a playboy, and a Casanova. Today, we bring to you the story of Tiger Woods' sex scandals and how the great golfer became a scorned mortal for the world. Controversially Yours में हम आज बात करेंगे एक ऐसे स्कैंडल की जिसके बारे में लोग आज भी बात करते हैं, एक ऐसे शख्स की जिसे बच्चे अपना आइडल, अपना गाइड मानते थे। लेकिन उस रात के बाद टाइगर वुड्स की दुनिया ही बदल गई। लोग जिन निगाहों से अपने हीरो को देखते थे वो नजरिया ही बदल गया। देयर वॉज ड्रामा दैट नाइट इन द डार्कनेस। अ वुमन स्मैश्ड अ गोल्फ क्लब ऑन द ग्लास पैनल ऑफ एन एसयूवी इन अमेरिका। The next morning, the world rose to a dark secrets of the most admired golf player of our times, Tiger Woods. Tiger Woods was a huge name in golf then, just like cricket had Sachin Tendulkar, like Roger Federer in tennis, like Michael Schumacher in Formula One for long, or Lionel Messi and Cristiano Ronaldo in football. Tiger Woods was numero uno. Woods' name is synonym to winning, and he did. He had a plethora of titles under his belt, but his personal life was miserable. All this came out in the open in the year 2009. हर खिलाड़ी के लिए एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि वो अपनी मेहनत से कमाया हुआ नाम मिट्टी में मिला देगा। वुड्स के लिए भी ये दौर कुछ ऐसा ही था।
It all happened with Wood's marriage hanging on the edge of the knife. His separation with Ellen Nodegeren opened a box of worms out in the open. The reason behind Ellen's walking out was Wood's many extramarital affairs, which were now public. And the verdict was Wood's liked blondes. Woods and Ellen filed for divorce in August 2010. But much before all this, Ellen had made it clear that Woods wasn't true to their relationship. And this was followed by his name being associated with New York City nightclub manager Rachel Yushitel. ये सिर्फ एक शुरुआत थी उस आने वाले तूफान की जिसके बारे में वुड्स ने कभी सोचा भी नहीं था। आने वाले दिनों में एक के बाद एक कई लड़कियां आई और एक के बाद एक वुड्स के फेक दिल मिजाज की कई कहानियां भी सामने आई। While Ellen was the real victim out of Woods' playboy image, there was no real winner. Many names sprung up with whom Tiger had physical relationship before, conveniently dumping them later. Some names popped up purposely to gain from the controversy and earn from his kitty. Here's my concern though. We haven't had Tiger for, let's say, for 4 years. That other Tiger we used to know that used to do all those heroic things. In my opinion, if you took Rory... Former waitress Jamie Grubbs claimed that she had been involved with Tiger Woods and had text messages and pictures to prove her claims. Erica Herman and Woods' relationship detail also came to the fore. वो कहते हैं ना, एक बार किसी ने भरोसा तोड़ दिया तो वो आगे भी तोड़ सकता है। टाइगर ने हरमन के साथ संबंध जोड़कर अपनी फॉर्मर गर्लफ्रेंड क्रिस्टन स्मिथ का दिल तोड़ा था। वाइफ एलिन से संबंध तोड़ने के बाद टाइगर का दिल लिंसे वॉन पर भी आया था। Both dated for a while before they went separate ways, citing hectic schedule for their failure. वुड से अलग होने के बाद वॉन ने एक बयान में कहा था, I mean, I was in love. I loved him and we are still friends. Sometimes I wish he would have listened to me a little more. But he is very stubborn and he likes to go his own way. Yushitel's name was linked with Tiger Woods during his apparent phase of shifting focus from golf to becoming a better husband. Film star Yoselyn James was also trapped into Woods' personal life. The duo dated for long but parted ways when the golfer blasted at her for exposing their affair when they were on visits to shared hotels. Tiger Woods even hooked up with actor Holly Sampson. She admitted to have been involved with Woods during his bachelor party, but denied any claims of an extramarital affair with the golfer. Italian model Loredana Ferriolo also spoke about Tiger Woods and his fantasies. She praised his bedroom prowess and blamed his wife Ellen for his infidelity. Emma Rotherham's affair with Tiger Woods was pretty well talked about. Rotherham casually bragged about her involvement with Tiger as she thought she was his lone mistress. However, once the scandal broke, she was given a hefty sum to keep mum. In the meantime, Tiger was trying to reconcile with wife Ellen. Another name which cropped in Wood's alleged affairs was Devin James. James emphasized more on Wood's sexual fantasies and group activities involving her and other women. In addition, James spoke on the remunerations given for such services, which was reportedly $2,000. James even mentioned that Woods barely spoke or interacted minimally during these sessions. It was all business in closed walls. वुड्स के चर्चे कुछ इस तरह बाहर आए कि थ्रेसा रॉजर्स नाम की एक महिला ने उन पर एक बड़ा इल्जाम लगा दिया था। रॉजर्स वर डिमांडिंग मनी फ्रॉम टाइगर, ऑफ हुम रॉजर्स बिलीव वाज द फादर ऑफ हर चाइल्ड। शी नेवर डिसाइडेड टू हैव अ पेटर्निटी टेस्ट। अगर आपको लगता है कि वुड्स की निजी संबंधों की कहानी यहीं तक थी तो अभी और है। All hell broke loose when Wood's creepiest relationship came into light in form of his neighbor's daughter, Rachel Godrett. A girl who was 14 years younger to Tiger. It said
that she had consensual encounters with a golfer at 21. Woods didn't stop here. He continued pestering Rachelle with text messages to see her again. But Rachelle wanted no further contact. Since his sex scandal came into the fore, Rachelle confronted him and his reply was, "Sorry about that." Last but not the least, Tiger Woods even jeopardized a couple's relationship to get into the sack with someone he was inclined towards. Julie Postel, a bar dancer, broke up with her boyfriend after her involvement with Tiger Woods. It is believed that Tiger sent her a lot of messages and bothered her for long before Julie gave into his advances. Postel broke up with her boyfriend, to say the least. Labeled as a sex addict, Tiger Woods even went through few sessions at a sex rehabilitation. A lot was said about his ill-tempered nature and how he treated the place as a joke. Woods ne apni doobti naiya ko bachane ke liye ek aisa bayan bhi diya tha. I felt that I had worked hard my entire life and deserve to enjoy all the temptations around me. I felt I was entitled. Thanks to money and fame, I didn't have to go far to find them. I was wrong. I was foolish, he said. The repercussions of Woods' alleged affairs and Casanova image led to his downfall. As a result, several companies re-evaluated their relationship with Tiger Woods. Some of them were Accenture, AT&T, Gatorade, and General Motors. All these firms completely dismantled sponsorship deals with the golf star. In addition, Gillette suspended advertising with Woods. His monthly column in Golf Digest also got abolished. Till date, his wife Ellen doesn't want any of Tiger's girlfriend to come near the children unless he is sure of the relationship. She maintains that he is a good father, but expects nothing more in return. Tiger has been dating Erica Herman, who is a manager at a Florida restaurant owned by him. Tiger has climbed up the ladder in world golf ranking with some of the recent heroics. However, he is long way to go before cleansing his Casanova image off the field. Controversially yours. जब चारों तरफ गूंजा था इंडिया इंडिया, जब तिरंगे की शान के सामने झुक गई थी पूरी दुनिया, जब गर्व से हर हिंदुस्तानी की छाती हो गई थी चौड़ी, उन सुनहरे दिनों को आज फिर याद करते हैं हम। जब अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और चीन से लेकर जापान ने किया था जनगणमन का सजदा, उसी धुन उसी गीत को आज फिर बुनेंगे हम, The Golden Years, only on Sports Flashes, the world's largest sports radio channel. This is Sports Trivia. Sports Trivia. Only on Sports Flashes. कुमार श्री रंजीत सिंह जी के नाम पर भारत का सबसे प्रतिष्ठित डोमेस्टिक टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी खेला जाता है। क्या आप जानते हैं कि रंजीत सिंह जी ने भारत की तरफ से एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला। उन्होंने 1896 से लेकर 1902 के बीच 15 टेस्ट खेले और ये सभी मैच इंग्लैंड की तरफ से थे। This is Sports Trivia. Sports Trivia. Only on Sports Flashes. ये श्राप है दूसरी दुनिया से ना आया ये पूरे कर्मों का हिसाब है सवाल में जवाब है हर सुन का मिलाप ये कई जान की जान ली जनजाति का ये अब जनता पे चमाट है नया नया सा ये राज जिसका ना इलाज इसका ही तो राज दिमाग पे दबाव कर कितने बर्बाद और कितने होने बाकी कर चुपके बैठो बाहर आई मोटी वाली आंधी है पहले ना सोचा खाते गए जिंदा गलती किसी और की और झेले पूरी जनता जिहतना बनता कुछ गलती बड़ी कितनी भारी लाशें बिछड़ी कितनी सारी नशाने बिछड़ी कितनी बाकी बस मेरी यही सलाह कर्मों पे ध्यान दो कर गलती लेकिन उसे ज्ञान लो ध्यान दो ना जान लो जिसको ना आए समझ काला रिपीट पे डाल लो लॉकडाउन योरसेल्फ करो योगा और लंबी लंबी सांस लो मैं हूँ कोरोना तुम मुझसे डरो हाँ घर में छुप के बैठो वरना मुझसे मरो हाँ मैं हूँ कोरोना तुम मुझसे डरो हाँ घर में छुप के बैठो वरना मुझसे मरो हाँ मैं हूँ कोरोना तुम मुझसे डरो हाँ घर में छुप के बैठो वरना मुझसे मरो हाँ मैं हूँ कोरोना तुम मुझसे डरो हाँ घर में छुप के
से। जय हिंद दोस्तों, मैं घर पर हूँ और सुरक्षित हूँ। मैं चाहूँगा कि आप भी अपने परिवार के साथ घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद। प्रधानमंत्री के अगले आदेश तक मैं और मेरी फैमिली लॉकडाउन है। मोदी जी आप आदेश दीजिए, मैं उसका पालन करूँगी। हैशटैग कोरोना खत्म करो ना, हैशटैग कोरोना खत्म करो ना। अरे यार, हैशटैग कोरोना खत्म करो ना। स्पोर्ट्स वर्ल्ड की हर एक बात और खास मेहमान से मुलाकात। आप सुन रहे हैं शो स्पोर्ट्स बीट आरजे गौतम के साथ। स्पोर्ट्स फ्लैशेस, एवरीथिंग अबाउट स्पोर्ट्स। हेलो, हाय, नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो पर। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, यो बडी बडी कम ऑन, बडी कम ऑन, आरजे गौतम। और ये जो वक्त होता है ना 10 बजे के बाद का, यहाँ पे कहानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अरे बेटा, बच्चे की नानी सुनाएगी कहानी, नलके में आता था पानी, तो बेटा सुन लो, पानी का करो सदुपयोग, समझे कि नहीं। तो अच्छा, चलते हैं आज मुद्दे पे आते हैं। स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो पर, वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पोर्ट्स रेडियो चैनल पर हम बात करते हैं आज किस चीज की। यहाँ पर कुछ स्टोरीज है हमारे पास आज जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज आज लेके आया हूँ आपके लिए फिर से। सुशील कुमार वर्सेस नरसिंह यादव, ओलंपिक में जगह पक्की करने की लड़ाई थी, दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंची थी। पवन पहलवान सुशील कुमार और नरसिंह यादव के बीच रियो ओलंपिक में जगह पक्की करने की लड़ाई हाईकोर्ट पहुंच गई थी। और ओलंपिक में शामिल होने के लिए जो WFI है, जो वर्ल्ड भारतीय कुश्ती संघ है, उसमें ट्रायल भी करवाए थे। और अपनी जो मांग थी, मांग के साथ दो बार ओलंपिक पद जीत चुके सुशील कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिलहाल भारत की ओर से पहलवान नरसिंह यादव ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर रियो में अपनी सीट पक्की की थी। अब सुशील कंधे की चोट की वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। अब मामला यहीं अटक गया। इससे पहले कि अपनी बर्थ पक्की कर चुके नरसिंह को रियो भेजा जाए, सुशील कुमार की मांग पर ट्रायल करवाकर फैसला किया जाएगा। अब यहाँ पे सुनवाई हुई, बहुत सारी बातें हुई, उधर सरकार ने इस मामले में किसी तरह का इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया। खेल मंत्री उस वक्त सर्वानंद सोनोवाल थे, उन्होंने साफ किया कि रियो ओलंपिक के लिए सुशील कुमार और नरसिंह यादव के बीच में जो अगर इनको चूज करना होगा तो सरकार जो है दखल नहीं देगी। तो बहुत सा ऐसा इसमें बहुत बातें हुई, बहुत ज्यादा बातें हुई। सुशील कुमार को मौका देने के लिए 74 किलोग्राम वर्ग में ट्रायल करवाया गया। WFI ने मंत्रालय से हस्तक्षेप करने को कहा कि चलो भाई तुम एक बार ये काम करो, आप इंटरफेयर कर लो। खिलाड़ियों द्वारा जो है ओलंपिक की तैयारी को जायजा लेने के लिए पटियाला से आए सोनोवाल ने भी कहा था कि कोई लेना देना नहीं है, महासंघ को अंतिम अधिकार है कि वो इसकी जांच करवाए, इसमें जो अपना डिसीजन लेना होगा वो ले। तो इसी के बारे में आप पूरी कहानी सुनिए स्पोर्ट्स फ्लैशेस की जुबानी, कि आखिर ये विवाद हुआ क्यों था, क्या था, कैसे था, सारी A to Z खबर आपको यही मिलेगी, क्योंकि ये है वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेडियो, स्पोर्ट्स रेडियो चैनल। मैं कौन हूँ, मैं हूँ आपका दोस्त गौतम। शो का नाम है स्पोर्ट्स बीट। ओके, मिलते छोटे से ब्रेक के बाद, और जाइएगा कहीं नहीं, बने रहिए स्पोर्ट्स फैशन रेडियो पर। Controversially yours. साल सन 2016, यानी कुश्ती और नाटक का संगम। पहले नाटक सिनेमा के पर्दे पर, जहां एक लड़की ने लड़कों की अखाड़े में हजामत बनाई। ये फिल्म दंगल की कहानी थी। फिर सलमान खान ने एक पहलवान के रूप में बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटाई, और फिर न्याय के गलियारों में नाटक। यहां हमने एक असली पहलवान को कोर्ट के चक्कर काटते भी देखा। कोर्ट के इसी चक्कर में भारत के एक चैंपियन को निराश होना पड़ा। शायद उस दिन भारतीय कुश्ती की भी हार हुई। वर्ल्ड
Welcome to a new edition of Controversially Yours on Sports Flashes. I am RJ Sid, and in this episode, we will go back to the year 2016 and revisit the days when India's favorite wrestler son, Sushil Kumar, was made to run from pillar to post for something that he does best and has made the country proud in. We will examine in the minutest detail how India lost a bout at the Olympics even before the games began. So here is the story or the saga between Narsingh Yadav and Sushil Kumar. The question was, who would represent India in the 74 kilo category at the Rio Olympics 2016? Will Sushil get the ticket as he had a track record of winning medals at the Olympics? Or will Narsingh Yadav get the ticket as he was the one who had won India the quota? Plus, he was a 74 kilo wrestler. Us saal news media mein ye incident is kadar chhaya tha ki agar ise TV show ka roop diya jata, to iska naam champion versus the contender ho jata. Because the two-time Olympic medalist Sushil Kumar contended he deserved a trial to fight against Narsingh Yadav and book a place for the Rio Olympics. The seeds of this battle were sown in 2013 when the World Wrestling Body decided to scrap some weight categories for the 2016 Olympics. This included the 66 kg weight category also. Unfortunately for India, this was Sushil Kumar's category. This was the category in which Sushil had won two Olympic medals in the past. The first, a historic bronze in 2008, and then a silver medal in the 2012 Olympics at London. सेलिब्रिटी रेसलर सुशील कुमार की वेट कैटेगरी अब खत्म हो चुकी थी और अब उन्हें एक नई कैटेगरी में मैट पर उतरना था, इसलिए उन्होंने 74 केजी कैटेगरी को चूज किया और विजय रथ निकल चला था 2014 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की तरफ, जहां सुशील कुमार ने अपनी नई वेट कैटेगरी 74 केजी में गोल्ड हासिल किया। सुशील कुमार ने इसके बाद किसी मेजर चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लिया। उधर नरसिंह यादव, जो शुरुआत से 74 केजी कैटेगरी में खेलते आ रहे थे, इसी साल 2014 एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रहे। नरसिंह then went on to win a bronze medal at the 2015 World Championship in Las Vegas, and this medal won India a quota for the Rio Olympics. Is quota place ne Bharatiya wrestling mein ek bhuchal sa khada kar diya, kyunki quota place ke anusar one and only one athlete can participate from a country in any weight category. And in India, the tradition was that the wrestler who earned the quota place represented the country at the Olympics. Is beech 2015 ke end mein pro wrestling league mein Narsingh Yadav se possible face off avoid karne ke liye Sushil Kumar ne apna naam wapas le liya. Tab sawal uthe ki do baar ke Olympic medal winner ne aakhir aisa kiya kyun? Aisi kya wajah thi ki Sushil Narsingh Yadav ke khilaf ladne se anakani kar rahe the? Lekin jab baat Olympic mein hissa lene ki uthi, to Sushil ne 74 kilo mein apni daavedari ठोक दी। ओलंपिक शुरू होने से दो महीने पहले सुशील कुमार ने एक ट्वीट किया। ये ट्वीट पीएम ऑफिस, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को ट्रायल करवाने के लिए इंटरवीन करने की रिक्वेस्ट थी। मानो एक स्वयंवर सा हो जिसमें नरसिंह और सुशील में जो जीतेगा वही रियो की दुल्हन यानी रियो की टिकट को पाएगा। अगले ही दिन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सुशील कुमार का नाम ओलंपिक्स प्रेपरेटरी कैंप की लिस्ट से हटा दिया। बस अब क्या था, भारतीय कुश्ती के हलकों में भूकंप आ गया। सुशील कुमार ने 16 मई को बिगुल बजा दिया और दिल्ली हाई कोर्ट में नरसिंह यादव के खिलाफ ट्रायल की मांग रख के एक केस फाइल कर दिया। ऐसा पहली बार हो रहा था कि एक ओलंपिक स्पॉट के लिए बैटल रेसलिंग मैट के अलावा हाई कोर्ट में भी चल रहा हो। सुशील के दो ओलंपिक मेडल उसके केस की पैरवी कर रहे थे। फिर क्या था, एक सेलिब्रिटी रेसलर के लिए सोशल मीडिया टर्न इनटू क्राउड सपोर्ट। हैशटैग्स ऑन ट्विटर, फेसबुक सपोर्टिंग सुशील वर डूइंग राउंड्स। कुछ फॉर्मर प्लेयर्स सुशील की तो कुछ नर्सिंग की साइड लेने लगे, और एडमिनिस्ट्रेटर्स वो तो अपने फैसले पर कायम थे। Battle lines were drawn. Nobody was ready to give even an inch. Olympic medal चीज ही ऐसी है जो किसी भी एथलीट की जिंदगी बदलने का मादा रखती है। जो नाम, पैसा, शोहरत इसके साथ जुड़ी है, उसका शायद ही कोई मुकाबला है। सुशील का मानना ये था कि ये मेरी तपस्या का नतीजा है कि हम इस पोजीशन पर आकर खड़े हुए हैं। अब इस तपस्या के स्पिरिचुअल के साथ साथ कई और मायने भी हो सकते हैं।
बेशक दोनों ही खिलाड़ियों की बिगिनिंग्स हम्बल रही हों, दोनों ही काफी मेहनत करके खून पसीना बहाकर यहां तक पहुंचे हों, पर दोनों की हंगर अलग थी। अल्टीमेटली कोर्ट में फाइल करी गई प्ली का डिसीजन आया, जहां सुशील कुमार को झटका लगा और उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। नरसिंह गॉट द टिकट टू कम्पीट इन रियो, बट होल्ड ऑन, देयर इज अ ट्विस्ट इन द टेल, द सागा कंटिन्यूज, देयर इज वन मोर स्टोरी एडेड टू दिस सागा। In what turned out to be a bolt from the blue, suddenly Narsingh Yadav tested positive for a banned anabolic steroid. Sabotage, screamed Narsingh supporters and pointed fingers at his rivals. In other words, Sushil Kumar versus Narsingh saga was brought to life once again. The National Anti-Doping Agency then heard Narsingh's plea, gave him benefit of the doubt of being a victim of a sabotage and exonerated him of having taken any drugs or banned substance. अब नरसिंह को रियो जाने से कोई नहीं रोक सकता था और हुआ भी ऐसा ही। वो रियो पहुंचे जरूर, पर अपनी बाउट के तीन दिन पहले जब वो अपने कोच के साथ गेम्स विलेज में अपनी गेम की बारीकी को और मांझ रहे थे, तभी उन्हें एक खबर मिली जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। खबर यह थी कि वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने नाडा के क्लीन चिट को चैलेंज किया और नरसिंह के लड़ने पर रोक लगा दी है। अब उनके केस की पैरवी उनकी बाउट से एक दिन पहले कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में होनी थी। इम्तिहानों का दौर अंत तक नरसिंह का साथ नहीं छोड़ रहा था। उनकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट या ये कहें लाइफ चेंजिंग फाइट अब कोर्ट के कटघरे में खड़े होकर भी लड़नी थी और अनफॉर्चुनेटली उनके बयानों को, हालातों को दरकिनार करते हुए उन्हें बैंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को यूज करने का दोषी पाया गया एंड इवेंचुअली ही वाज हैंडेड अ 4-year बैन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल फाइट। 2016, व्हाट अ ईयर। फिल्म एक्टर आमिर खान वन एज अ रेसलर, सुपरस्टार सलमान खान टू वन एज अ रेसलर, बट इंडियाज रियल रेसलर्स लॉस्ट दैट ईयर। आई जस्ट विश रियल life could be turned into real. And that is this episode of Controversially Yours for you. Controversially Yours. You are listening to Sports Flashes Live. Download Sports Flashes app or visit www.sportsflashes.com. Sports Flashes, world's biggest sports radio channel. This is Sports Trivia. Sports Trivia. Only on Sports Flashes. क्या आप जानते हैं कि रॉबिन सिंह मूल रूप से वेस्ट इंडीज के त्रिनिदाद एंड टोबैगो के निवासी हैं? रॉबिन का घर अब चेन्नई में है, लेकिन उनके पेरेंट्स अभी भी वेस्ट इंडीज में रहते हैं। दिस इज स्पोर्ट्स ट्रिविया। स्पोर्ट्स ट्रिविया ओनली ऑन स्पोर्ट्स फ्लैशेस। स्पोर्ट्स वर्ल्ड की हर एक बात और खास मेहमान से मुलाकात। आप सुन रहे हैं शो स्पोर्ट्स बीट आरजे गौतम के साथ। स्पोर्ट्स फ्लैशेस, एवरीथिंग अबाउट स्पोर्ट्स। जिंदगी एक सफर है सुहाना। मैगा जी यहाँ कल क्या हो किसने जाना, लेकिन हमें पता कल क्या होने वाला है। वेलकम बैक, यू आर लिस्टिंग टू स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो। मैं हूँ आरजे गौतम और शो का नाम स्पोर्ट्स बीट, मेरी जान और रेडियो पर हम जो बात करते हैं मेरी जान, वो बातें जो हैं बड़ी, मतलब आपको पता है कि जब आप खुद से जुड़ते हैं, मैं आपसे जुड़ता हूँ चैनल रेटा, तो यहाँ पे माहौल बदल जाता है। तो फिलहाल बातों ही बातों में ये घड़ी की सुइयां इशारे कर रही कि वक्त हो गया मेरे यहाँ से जाने का। चलता हूँ, कल फिर मिलूंगा इसी वक्त इसी समय। लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं कि आरजे गौतम के नाम से पाया जाता हूँ फेसबुक पर। मेरे पेज को लाइक करके अपने मैसेजेस इनबॉक्स जरूर करें, अपना प्यार इनबॉक्स करें। कुछ स्पोर्ट्स वर्ल्ड से जुड़ी कुछ बातें हैं जिनको आप जानना चाहते हैं, कोई भी बात, मतलब आप किसी भी स्पोर्ट्स के बारे में आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो वहां पे आप जरूर मुझे लिखिए। स्पोर्ट्स फ्लैशेस के यूट्यूब पेज पे जाइए, जहाँ पे आपको YouTube चैनल पर बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पे किरमानी साहब और
मोहम्मद कैफ की बातचीत है, छोटे मियां बड़े मियां किस तरह से वो खींच रहे हैं टांग एक दूसरे की। उसके बाद जीवेशु का है स्टैंड अप कॉमेडी, वहां पे आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा। मतलब स्पोर्ट्स पे स्टैंड अप कॉमेडी करना भी एक अपने आप में बड़ी बात है कि भाई जीवेशु जो है उन्होंने ये बहुत अच्छे तरीके से किया है। और उसके बाद आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स फ्लैशर्स के फेसबुक पेज पे जाके आप उसको लाइक कर सकते हैं, वहां पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। बातें ये कभी ना यूं भूलना, क्या गाना था वो, हाँ मतलब अपनी बातें मुझ तक पहुंचाना आप जरूर पहुंचाइएगा। और साथ ही छोटी सी बात कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम जो है किसी मैच को याद करते हैं और हमें याद नहीं आता। जैसे मुझे अभी अजीत अग्रवाल के एक मैच की बात याद आ रही थी, जब उन्होंने कहा कि सचिन ने उन्हें ग्लव्स दिए थे और वो भी सेम एकेडमी सेम स्कूल से पढ़े थे। तो मुझे पता है कि मैं अभी जाके इसके बाद जो है अजीत अग्रवाल की वो पारी जरूर देखूंगा जिसमें उन्होंने 100 रन बनाए हैं। बतौर बॉलर अगर आप 100 रन बना देते हैं, बिग अचीवमेंट यार। बहुत से ऐसे बॉलर हुए हैं तो वो ऑलराउंडर की कैटेगरीज में आ जाते हैं, जैसे कि इरफान पठान। आपको याद होगा वो मैच जब उनको पहले ही मैच में ओपनिंग के लिए भेज दिया था, लेकिन हालांकि वो सरकमस्टांसेस ठीक नहीं थे। उसके बाद भज्जी पाजी की क्या बैटिंग थी, मतलब अब लगता था कि अब मारा भज्जी पाजी ने चौका, अब मारा छक्का। तो ऐसे बहुत से बॉलर हुए जिनकी बैटिंग ने भी कमाल कर दिया, बवाल कर दिया। तो अजीत अग्रवाल की बैटिंग के बारे में मैंने आज सुबह बात की, तो इनको इनकी वो इनिंग जरूर अभी देखूंगा मैं। तो फिलहाल वक्त हो गया मेरे यहाँ से जाने का, चलता हूँ, कल फिर मिलूंगा इसी वक्त इसी समय सेम टाइम सेम जगह पे। तो आप कल मिलिए मुझसे, फिलहाल लेता हूँ आपसे इजाजत, चलता हूँ। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड कीप लिसनिंग टू स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो, वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पोर्ट्स रेडियो चैनल। स्पोर्ट्स फ्लैशेस, एवरीथिंग अबाउट स्पोर्ट्स। और बच्चों को प्यार, पौधों को पानी, एक अच्छा काम जरूर कीजिए दिन में ताकि नींद आपको अच्छी आए। ओके, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, एंड कीप लिसनिंग टू स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो, वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पोर्ट्स रेडियो चैनल। क्रिकेट के मैदान पर सबसे बड़ी जंग को हम एक बार फिर जिएंगे, बड़े बड़े यादगार मुकाबलों की होगी बारीकी से सर्जरी, प्लेइंग 11 से लेकर मैच की कंडीशंस, बैटिंग लाइनअप से लेकर बॉलिंग की स्ट्रेटजी का होगा ऑपरेशन। क्यों हार गए धुरंधर और कैसे कमजोर टीम ने पलट दी पूरी बाजी, यादगार मैचों के हर एस्पेक्ट की यहाँ होगी जांच। ऑपरेशन क्रिकेट विद वर्ल्ड कप हैट्रिक मैन चेतन शर्मा। हाय, मैं हूँ चेतन शर्मा और आप मुझे सुन सकते हैं इन ऑपरेशन क्रिकेट विद आनंद एंड जॉय। लिसन टू ऑपरेशन क्रिकेट एवरी मंडे टू फ्राइडे एट 9 AM ओनली ऑन स्पोर्ट्स फ्लैशेस, एवरीथिंग अबाउट स्पोर्ट्स। Sports Flashes, now available on Ghana. He's gone down the ground. I think it's massive. He has cleared it. That is a phenomenal hit from Dhoni. Yes, he's done it. Taking matters into his own hands in spectacular fashion. Lionel Messi. It's not a game. It's running in my vein. It gets me high, makes me insane. Ready, hear the noise, come hit the ground, let's go. Cricket ki ho beat, ya soccer ki ho heat. Chakka ya chokka, ab chale ki ye beat. Cricket ki ho beat, ya soccer ki ho heat. Chakka ya chokka, ab chale ki ye beat. Every Indian in the stadium on their feet. What a shot. Absolutely magnificent. खेल चलेगा पूरे दिन सारी रातें, चलते रहेंगे अब स्पोर्ट्स की बातें, मिलते रहेंगे अपडेट्स इधर, हॉकी या क्रिकेट या हो सॉकर। खेल का जमाना है, गेम भी पुराना है, कोई भी तूफानी होगा, रन भी तूफानी होगा, कोई मैसी धोनी मैरी कॉम या रोनाल्डो, खेल का सफर अब और भी जुनूनी होगा। Only on Sports Flashes, world's biggest sports radio channel. Sports Flashes पे गेंद से हैट्रिक। बल्ले से सेंचुरी, बाजुओं में हिम्मत और दिल में इंडिया। देश है वो खिलाड़ी जिसने देश का नाम किया दुनिया में रोशन,
विश्व कप में सबसे पहली हैट्रिक ली, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। चेतन शर्मा हैट्रिक अगेंस्ट न्यूजीलैंड, द फर्स्ट इन अ वर्ल्ड कप मैच। बल्ले से भी नहीं थे पीछे, मौका मिला तो इंग्लैंड के भी उड़ाए थे पर खच्चे। ये है द वन एंड ओनली इंडियाज हीरो चेतन शर्मा। सुनिए मुझे द हैट्रिक शो विद चेतन शर्मा में आरजे गौतम के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 8:30 टू 9 एएम ओनली ऑन स्पोर्ट्स फ्लैशेस द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पोर्ट्स रेडियो चैनल स्पोर्ट्स फ्लैशेस। This is Sports Trivia. Sports Trivia. Only on Sports Flashes. भारत के पूर्व ऑलराउंडर रॉबिन सिंह का पूरा नाम रॉबिंद्र राम नारायण सिंह है।